तो भाई क्या हाल है। आज है हमारे पास यामाहा की बेस्ट सेलिंग बाइक, दैट इज़ R15। तो ये फोर्थ जनरेशन R15 है। तो इसका अभी हम करते हैं थोड़ा स्पीड टेस्ट और साथ में देखते हैं कि राइडिंग कैसी है। वैसे पूरा इसका नीचे पोजीशन ना होता था तो प्रॉपर जैसे रेसिंग बाइक्स का, जैसे फर्स्ट टाइम राइडिंग। सो चलो शुरू करते हैं। तो भाई ये गई पहले गियर में, मज़ेदार यामहा यामहा ही है। भाई राइडिंग पोजीशन ना इसका प्रॉपर, मतलब जैसे होना चाहिए ना, जैसे आरसी का है, मतलब प्रॉपर रेसिंग टाइप है इसका। ट्रैक मशीन है प्रॉपर ये। तो यार ज़्यादा देर तक गेम ही नहीं ले पाएंगे, एक्चुअली किसी और की बाइक है वो, तो उसको मैंने अपनी बाइक पकड़ाई है और ये उनकी बाइक है, तो वही मैं अभी तक बाइक्स का ही देख रहा हूँ। बट अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सी बाइक लूँ। तो नहीं भाई क्या पूरी ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर चली है। अब यहाँ पे हो गए N, क्योंकि है यहाँ पे ट्रैफिक लाइट का सीन। ऐसे माइक मैंने लगा दिया हुआ है इसमें, माइक के बाद आई होप अच्छी आ रही होगी। बाकी पोजीशन इसका पूरा यार, मतलब पूरा रेसिंग टाइप है, मज़ा आता है इसको चलाने में। तो भाई अभी थोड़ा इंजन का इशू लग रहा है मेरे को, तो वाइब्रेशन आ रही है जो कि मेरी FZ में भी नहीं आती थी। मैं हूँ एक्चुअली 6 फुट का आदमी, तो ये बाइक मेरे लिए थोड़ी सी अजीब सी है। तो वही करते हैं थोड़ा स्पीड टेस्ट। साहब मतलब बीइंग 150 cc मोटरसाइकिल, इतना रिफाइंड इंजन मैंने नहीं देखा भाई साहब, इतना रिफाइंड नहीं देखा। भाई बहुत प्यारी भागती है, बहुत प्यारी। मेरे को इसका कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। R15 है भाई, बहुत फेमस है, वर्जन 4 है। सो चलिए भाई वापस देते हैं जिसकी है बाइक। और एक और चीज़, एग्जॉस्ट नोट आपको सुनाया नहीं मैंने इसका, अभी देखता हूँ अगर आगे जगह मिलती है तो सुनाता हूँ। थोड़ा आगे तो चल ही लेते हैं भाई साहब। इसका मॉल तो पीछे ही था आई गेस। बच्चा भी देख रहा कैसी बाइक है। तो भाई करते हैं दोबारा।